यह वीडियो बहुत ही छोटा सा होने वाला है और बहुत ही यूजफुल होने वाला है जिनके सामने वोल्टास स्प्लिट एयर कंडीशनर आता है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वोल्टास स्प्लिट एयर कंडीशनर में E8 का एरर क्यों आता है। E8 का एरर क्यों आता है एक हमारे दोस्त ने भी पूछा है। इसके साथ में मैं सबको बताता चलूं कि E8 का एरर क्या होता है। वोल्टास केवल वोल्टास पर्सनल में एक वोल्टास स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। छोटा सा वीडियो होने वाला है और उससे पहले हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अपने सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो हम बात करते हैं कि E8 का एरर क्यों सो होता है वोल्टास स्प्लिट एयर कंडीशनर में। अब देखिए, इसमें दो अलग अलग फॉल्ट हो सकते हैं, दोनों सेम फॉल्ट होते हैं। इंडोर में भी वही हो सकता है या फिर आउटडोर में भी वही हो सकता है। इंडोर की अगर बात करें तो इंडोर में अगर ब्लोअर नहीं चल रहा है तो दोनों हम बात करेंगे, इंडोर का भी और आउटडोर का भी, और सेम एरर आता है उसमें अगर ये प्रॉब्लम होता है तो। इंडोर की बात करते हैं, अगर ब्लोअर नहीं चल रहा है तो E8 का एरर शो करेगा। अगर उसमें फ़िल्टर उसमें ब्लॉक है, फ़िल्टर आप देख सकते हैं इस तरह से, फ़िल्टर और कूलिंग कॉइल अगर ब्लॉक है तो भी यह एरर शो करेगा, क्योंकि उसमें से एयर फ्लो नहीं हो पाएगा। सेम प्रॉब्लम हुआ, या तो ब्लोअर नहीं चल रहा है, या तो फ़िल्टर ब्लॉक है, या फिर कूलिंग कॉइल ब्लॉक है। सेम प्रॉब्लम हुआ कि एयर बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए E8 का एरर शो किया वहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि आउटडोर में क्या प्रॉब्लम होगा। आउटडोर में अगर हम बात करें तो आउटडोर का फ़ैन मोटर अगर नहीं चल रहा है तो E8 का एरर शो करेगा वहाँ पर। या फिर अगर कंडेंसर गंदा है, या फिर फैन मोटर स्लो चल रहा है, और स्लो क्यों चल रहा है, स्लो चलने का भी इंडोर का और आउटडोर का भी दोनों फॉल्ट बताऊंगा कि अगर नहीं चल रहा है या फिर धीरे चल रहा है तो क्या फॉल्ट होता है। तो हम बात करते हैं कि अगर ब्लोअर में अगर आउटडोर का फैन मोटर अगर स्लो चल रहा है तो भी E8 का एरर शो करेगा, या फिर कंडेंसर अगर गंदा है और एयर को बाहर नहीं फेंक पा रहा है तो भी E8 का एरर शो करेगा। अब हम बात करते हैं कि इंडोर में ब्लोअर मोटर अगर धीरे चल रहा है तो स्लो चल रहा है तो उसमें एक फॉल्ट होता है कि अगर बिल्कुल नहीं चल रहा है तो या तो मोटर ख़राब होगा, या तो उसका जैक जो PCB में जैक लगा होता है वो जैक अगर ढीला हो गया होगा तो भी नहीं चलेगा, या फिर उसमें कैपेसिटर अगर ख़राब हो गया है तो कैपेसिटर अगर वीक हो गया है तो धीरे चलेगा, बहुत धीरे चलेगा ब्लोअर। यही प्रॉब्लम सेम आउटडोर में भी होता है, लेकिन इंडोर का और आउटडोर का कनेक्शन अलग होता है। इंडोर में जो PCB में जैक लगा होता है इंडोर मोटर को चलाने के लिए, और कैपेसिटर किसी एयर कंडीशनर में ऐसा होता है कि PCB में ही कैपेसिटर फैन ब्लोअर फैन मोटर का कैपेसिटर PCB के अंदर ही इनबिल्ट होता है। और कुछ स्प्लिट एयर कंडीशनर ऐसे भी होते हैं जिनका इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से बाहर कैपेसिटर दिया जाता है, बाहर लगा होता है, जिसे आप या तो 2.5 UF का या फिर 3 UF का किस तरह का एयर कंडीशनर है, 1 टन का है, 1.5 टन का है, या फिर 2 टन का है, उस तरह का कैपेसिटर वहाँ पर दिया जाता है। अब आउटडोर की हम बात करें तो अगर धीरे चल रहा है तो कैपेसिटर को चेंज कर दें, या फिर धीरे चल रहा है तो उसका बैरिंग भी चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं उसका शाफ्ट उसका जाम है और उसका बैरिंग जाम है जिसकी वजह से धीरे चल रहा है, उसे चेक करें और फैन मोटर को सही करें। अब आउटडोर की हम बात करते हैं कि आउटडोर में क्या होता है, अगर उसका कंडेंसर फैन मोटर अगर धीरे चल रहा है तो कैपेसिटर वीक हो सकता है, या फिर उसका बैरिंग जाम हो सकता है, तो उसे हाथ से घुमा करके देखिए कि फ्री चल रहा है या फिर जाम चल रहा है। अगर जाम चल रहा है तो बैरिंग को चेंज करिए, अगर मोटर ख़राब है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है तो मोटर को पूरा चेंज कर दीजिए, या फिर अगर कैपेसिटर ख़राब है तो स्लो चलेगा बहुत धीरे चलेगा तो कैपेसिटर का प्रॉब्लम है तो कैपेसिटर भी चेंज करके देख लीजिए। अगर हाथ से फ्री घुमाने पर चल रहा है और कैपेसिटर लगाने पर धीरे धीरे चल रहा है तो समझ लीजिए कि कैपेसिटर का
आपका वहाँ पर प्रॉब्लम है, कैपेसिटर वीक हो चुका है, तो वहाँ पर कैपेसिटर आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ एयर कंडीशनर में ऐसे होते हैं कि एक ही कैपेसिटर में कंप्रेसर को रन करवाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और फैन मोटर के लिए तीनों कैपेसिटी एक साथ दी जाती है। कुछ एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं जिनका कैपेसिटर दो अलग अलग होता है, आउटडोर फैन मोटर का कैपेसिटर अलग होता है और कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए और रन करने के लिए कैपेसिटर अलग होता है। तो वहाँ पर कैपेसिटर को आप चेंज करके उसे फिक्स, इस तरह के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया तो E8 का एरर कभी शो नहीं करेगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।